मैं हूँ सीमा सिद्दीकी। वेलकम टू माय चैनल रेमेडीज़ विद सीमा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त रेमेडी लेकर आई हूँ जिसका नाम है हनी लोशन। इसको ये हमारी स्किन को एक टोन में करेगा, स्किन का हमारे कोलेजन बढ़ाएगा और जिन लोगों की आईज़ पफीज़ होती हैं उनकी आईज़ को भी ठीक करेगा। और एजिंग की वजह से जिनके फाइन लाइन्स आ रही हैं, रिंकल्स आ रहे हैं स्किन के ऊपर, चेहरे के ऊपर, ये इंशाल्लाह उसको भी ठीक करेगा। हम इसको एज अ मॉइस्चराइज़र के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमें इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसके लिए हमें चाहिए 2 टीस्पून बादाम का तेल, 2 टीस्पून शहद, 1 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर और 3 टीस्पून अरके गुलाब। चलें हम इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे शहद 2 टीस्पून, शहद हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपको पता है वैसे भी अब विंटर स्टार्ट हो रहा है, इसमें हमारे लिए बहुत फ़ायदा करेगा शहद। 2 टीस्पून बादाम का तेल, बादाम का तेल हमारी स्किन को यंग रखता है। 1 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर, 3 टीस्पून अरके गुलाब, 3 टीस्पून अरके गुलाब। अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि सब अच्छी तरह मिक्स हो जाए और एक लोशन की तरह ये हमें मिल जाए। आप देखेंगे इंशाल्लाह इसके लगाने से आपकी स्किन में कितना फर्क आएगा। इसको फेस वॉश करने के बाद हल्के हाथ से आप अपने चेहरे पे मसाज करें, इंशाल्लाह आपकी स्किन में इंशाल्लाह ग्लो भी आएगा। आप देखिएगा इसको आप बना के किसी भी जार में बना के फ्रिज में 15 दिन आराम से रख सकते हैं, 15 दिन ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और ये सबसे अच्छी बात ये है कि ये ऑल टाइप स्किन के लिए है, ड्राई स्किन के भी लगा सकते हैं, ऑयली स्किन वाले भी इसको आराम से लगा सकते हैं। ये देखें हमारा ये लोशन माशाल्लाह तैयार हो गया है। इसको हम इस जार में बंद करके और फ्रिज में 15 दिन रखते हैं। आप लोगों को मेरी रेमेडी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी रेमेडी को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई रेमेडी के साथ। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।